हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं अभी मेकअप करके बैठी नहीं हूँ। मैं कल ही गई थी अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में, तो मैं इतनी थक गई थी कि मैंने अपना मेकअप तक नहीं उतारा और वैसे ही सो गई थी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग का है, वो 5:37। और अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। कल का वीडियो मैंने एडिट करके रखा है, तो उसे अपलोड कर लूँगी पहले और देखती हूँ। वैसे तो शादी में मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और मैं हर किसी के सामने कैमरा लेकर जा नहीं सकती थी, और वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको मेरी फ्रेंड दिखा दूँगी। रिसेप्शन की थोड़ी एक दो पिक्चर्स होगी मेरे पास, तो वो सारे पिक्चर्स डाल दूँगी। और वीडियो तो शायद उतना मैं नहीं बना पाई, तो उतना है नहीं मेरे पास। तो देखती हूँ कितना है। अभी मैंने देखा भी नहीं कि पिक्चर्स है अभी या फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो करी है, लेकिन उतनी भी नहीं। और देखती हूँ, मैंने चेक भी नहीं किया कि कोई वीडियो अच्छी आई है नहीं आई है, फिर कैसी आई है, क्योंकि मैं पूरी थक चुकी थी और मैं आके फिर सो गई। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, सुबह मैं उठी हूँ लेकिन मेकअप करके। पिक्चर्स मेरी फ्रेंड के वेडिंग की है, मैं तो वेडिंग में जा नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, इसलिए बस मैं पिक्चर्स आपको दिखा सकती हूँ। और ये वीडियो कल की है रिसेप्शन की, इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा वीडियो तो कर नहीं पाई। ये रहे दूल्हा दुल्हन और ये दुल्हन की सिस्टर, और बस इतना ही था वीडियो। सॉरी गाइस, मैं कुछ कर नहीं पाई ऑकवर्डनेस की वजह से। और ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं जाने के बाद क्लिक किए थे, मेरी कोई सिंगल फ़ोटो भी नहीं है। ऐसे ही मैंने ग्रुप में पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। सिंगल फ़ोटो ब्राइड के साथ है, लेकिन वो तो सारे पिक्चर्स कैमरा में है तो मिलना भी मुश्किल है। और ये वीडियो करी थी मैंने खाना खाने के बाद। हम लोग सब बैठे हुए थे फ़ैन के नीचे, गर्मी बहुत थी। और ये सारे अंकल हैं, ये भैया हैं, ये दीदी जी हैं, दीदी है उनको मैंने पहचानती। और ये पिंक साड़ी वाली मेरी आंटी है, और ये ब्राइड की बुआ, और ये रही ब्राइड की छोटी सिस्टर। और जब मैं यहाँ रिसेप्शन से निकल रही थी, तब मैं ये छोटी सी वीडियो दूल्हा और दुल्हन के साथ बनाई थी, और उतना तो कुछ खास नहीं। और ये निकलने के टाइम पे पता नहीं, मुझे लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। और यहाँ पे उतना भीड़ भी नहीं था, तो मुझे ऑकवर्ड उतना लग नहीं रहा था, तो मैं अपने मस्त वीडियो बना रही थी। पता नहीं क्यों यहाँ पर लाइटिंग भी अच्छी लग रही थी और उतना भीड़ भी नहीं था, कुछ ही लोग थे, तो ज़्यादा ऑकवर्डनेस नहीं हुआ। तो बस इतना ही।